स्टूडेंट्स, दिस इज साई सर विद योर इकोनॉमिक्स क्लासेस। सो आवर चैप्टर इज थर्ड एंड इन दिस चैप्टर वी कैन रीड द अचीवमेंट ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म ग्रीन रेवोल्यूशंस। यू नो लास्ट टॉपिक इज ग्रीन रेवोल्यूशंस, व्हाट इज द इकोनॉमिक रिफॉर्म, एग्रेरियन रिफॉर्म्स, तो हमने ये रीड किया था। आफ्टर डेट वी कैन रीड द अचीवमेंट ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स यानी ग्रीन रेवोल्यूशंस, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशंस जो एग्रीरियन रिफॉर्म्स हुए थे उनसे हमें क्या फ़ायदा हुआ था, क्या कितनी हमारी प्रोडक्टिविटी क्या थी, पहले क्या थी, अब क्या था, थोड़ा सा उस पर कंपेरिजन करेंगे। तो कह रहे हैं कि थैंक्स टू एग्रीरियन रिफॉर्म्स देयर हैज़ बीन अ सब्सिस्टेंटली इम्प्रूवमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। यानी हम शुक्र अदा करते हैं जो हमारे कृषि से संबंधित जो सुधार हुए थे उनने हमें इतना जो है एकदम से हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी वो काफ़ी बढ़ा दी गई थी। तो फॉलोइंग मेजरमेंट्स आर दीज, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं बेटा कि हमारे जो है ग्रीन रिवॉल्यूशंस के हमें काफ़ी फायदे हुए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्रीन रिवॉल्यूशंस हुआ था उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो है पेस वन, जिसमें हम लेते हैं मिड 60 टू मिड 70, यानी 60 से और 70 के बीच का। दूसरा पेस है हमारा 70 से 80 के बीच में, सेकेंड पेस। तो जो फर्स्ट फेज था उसमें हमारा क्या ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, जो फर्स्ट था तो 60 से 70 के बीच में जो था जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उसका जो मोस्टली इफेक्ट हुआ था वो जो है ना वीट पर हुआ था, यानी गेहूं की प्रोडक्टिविटी और चावल, वीट एंड राइस पर हुआ था। इनकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो एकदम काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी। दूसरा इसका रीज़न ये था कि इसके अंदर जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था ना, जो 60 से 70 के बीच में जो हुआ था उसमें केवल कुछ लिमिटेड सेक्टर थे जहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, जहाँ पर इसका फायदा हुआ था, जैसे हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये पांच स्टेट थे जहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। जो लेकिन जो सेकंड हमारा पेस है, जो 70 से लेकर 80 के बीच का जो पीरियड था हमारा, उसके अंदर जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो होल कंट्री में स्प्रेड हुआ, यानी सभी राज्यों में, सभी स्टेटों के अंदर इसका प्रभाव पड़ा। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो इफेक्ट है, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी हमारी, उसका पूरे देश के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ा था। तो उसके बाद अक्रॉस द बोथ दीज स्पेसिस ग्रीन रेवोल्यूशन इज करेक्टराइज बाय द फॉलोइंग फीचर्स। यानी हम ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत सारे फायदे होंगे। हम किसी चीज़ को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका हमें रीज़न देना पड़ता है या उसके कुछ सबूत देने पड़ते हैं कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उससे हमारी उत्पादकता बढ़ी है, तो हमने कह दिया। लेकिन कैसे बढ़ी, कुछ डाटा भी तो रिप्रेजेंट करने होते हैं, हमें डाटा पेश करने पड़ेंगे कि क्या हुआ था, मतलब कितनी प्रोडक्टिविटी हुई थी। तो हम इसको पॉइंटों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला स्पॉट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, जो जो फसल उत्पादक ही उसमें काफ़ी वृद्धि हुई थी। अब कैसे हुई थी कि अब हम मैं आपको सामने कुछ डाटा दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट वॉज एस्टिमेटेड एट 30,260 kg पर हेक्टर, यानी इन 2016 और 17 में 3216 किलो पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी थी, जबकि यही प्रोडक्टिविटी हमारी कितनी थी 1950-51 में 660 kg। तो कितना फर्क था, यानी 1950 और 51 के बीच जो एक एकड़ में जो गेहूं पैदा हो रहा था वो 660 किलो हो रहा था, और 2016 और 17 में इन 2016 एंड 17 जो प्रोडक्टिविटी है वो गेहूं की पर एकड़, यानी एक हेक्टर लैंड के अंदर 3216 केजी के ऊपर, तो काफ़ी प्रोडक्टिविटी बढ़ी इसमें, तो कोई शक नहीं क्योंकि हम डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा था हमारा जो राइस थी वो हमारा 665 यानी 665 केजी पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी थी, यानी एक हेक्टर में 650 किलो चावल पैदा हो रहे थे। कब, 1950 से जब ग्रेन रेवोल्यूशन हुआ, तो अब हमारी जो प्रोडक्टिविटी है 2016 और 17 में वो कितनी हो गई हमारी 2550 यानी 2550 केजी पर हेक्टर, यानी 650 से लेके 2550 तक, यानी 1900 किलो गेहूं की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी थी वो ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। सेकेंड जो हमारा पॉइंट है वो है सब्सिस्टेंटल राइस इन एग्रेस एरियाज अंडर कल्टीवेशन, यानी जो हमारा खेती करने का जो क्षेत्र है, यानी कह सकते हैं कल्टीवेशन जो एरिया है जहाँ पर हम खेती बाड़ी करते हैं जिस एरिया, उसमें काफ़ी मात्रा में वृद्धि हुई।
अब कैसे हुई मैं आपको बता देता हूँ। इन बिफोर एग्रीरियन रिफॉर्म्स जैसे लोगों के पास 10 एकड़, 20 एकड़, 30 एकड़, 50 एकड़ जमीन थी, उस समय ओल्ड टेक्नोलॉजी थी, हम बैलों से खेती करते थे। तो अगर किसी के पास 20 एकड़ जमीन थी तो मुश्किल से वो उसमें से 5-6 या एट लास्ट 10 एकड़ को ही वो कल्टिवेटेड कर सकते थे, क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं थे। एक खेत को कल्टिवेट करने में बैलों से खेती करते थे तो 5 दिन लग जाते थे, और अगर वो 6 खेत तो 1 महीना पूरा लग गया, इतने तो दूसरे खेतों के लिए टाइम ही नहीं बचा फसल के लिए। तो जो हमारी कल्टीवेटेड जो एरिया था वो लिमिटेड था उस समय। लेकिन जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ और जो ओल्ड टेक्नोलॉजी की जगह नई टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर और बहुत सारे मशीनरीज हैं, उनसे जब हम खेती करने लगे तो आप देख सकते हैं ना, आप वो डेट टाइम पर्टिकुलरली हम 10 एकड़ लैंड की फसल को 1 दिन के अंदर हम काट पीट के और उसको मंडी पहुँचा सकते हैं। तो बेटा यही था कि अब इससे क्या हुआ कि जहाँ पर वो पहले आधी जमीन को ऐसे ही छोड़ देता था, अब उससे 4 गुना जमीन को वो कल्टीवेटेड करने लगा। ठीक है, जिसके पहले 100 एकड़ जमीन थी वो 15 एकड़ पे खेती कर सकता था, अब वो पूरी 100 एकड़ के अलावा और भी ज़्यादा कर सकता। तो जो हमारा कल्टीवेटेड एरिया था ना वो इंक्रीज हो गया, काफ़ी हद तक इंक्रीज हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है जो जीवन निर्वाह कृषि होती है, और कमर्शियल फार्मिंग होती है जो बाजार में बिकने के लिए जो कृषि होती है। ठीक है, तो सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग में शिफ्ट हो गए, यानी पहले जो खेती करते थे हम किस तरह की खेती करते थे, हम कहते थे कि भाई हमारे पास इतनी जमीन है, बस इस 1 एकड़ में हमने वीट बो दिया, 1 एकड़ में हमने राइस बो दिया, 1 एकड़ में मस्टर्ड बो दिया, इस तरह से हम जो खेती करते थे और उससे हमारा गुजारा हो जाता था। भाई हमने जब किसानों के दिमाग में या उनको ये टेक्नोलॉजी नहीं थी कि जो कृषि है उससे हम कमर्शियल्स भी कर सकते हैं, उसको बाजार में बेच कर हम अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं, वो सिस्टम नहीं था। तो क्या हुआ, अब जो है सबसिस्टेंस फार्मिंग कन्वर्टेड इनटू द कमर्शियल फार्मिंग। अब लोग का जो दृष्टिकोण है वो व्यापारिक दृष्टिकोण है। अब आप देखते हैं ना, अभी प्याज हो रहे हैं, फिर राइस, बहुत सारी फसल हम बोते हैं और उसको मंडी में ले जाते हैं, कपास, पटसन, ये सारी चीज़ें हो रहे हैं। तो क्या हो गया, किसान को ये पता चल गया कि भाई इससे तो पैसा कमाया जा सकता है, इससे हम अपनी जो इनकम है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो उन्होंने अब अपनी जो जीवन निर्वाह कृषि थी, जो सबसिस्टेंस फार्मिंग थी, उससे हटकर अब वो कमर्शियल फार्मिंग करने लगे। और जब कमर्शियल फार्मिंग करने लगे तो उन्होंने जो हमारी लैंड थी उसको इम्प्रूव करने के लिए HYP सीड्स, न्यू टेक्नोलॉजी, यूरिया, पेस्टिसाइड्स, इन सारी चीज़ों का यूज़ किया और उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। जिस सेक्टर से हमारी इनकम इंक्रीज होती है ऑब्वियसली हम उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। तो इसी तरह से हमने जो है वो अपनी इंक्रीज बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान दिया। तो हमारी ऑब्वियसली जब हम उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। चेंज इन फार्मर्स आउटलुक का मतलब होता है कि किसानों ने अपना जो दृष्टिकोण था कृषि के प्रति वो चेंज कर दिया। पहले उनका यही है कि बस वो सबसिस्टेंस कृषि करते थे, ठीक है, वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। अब उन्होंने लगा कि उनकी जो इनकम है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रही है, तो उन्होंने अब इसकी तरफ उसका जो अपना जो दृष्टिकोण है उसको चेंज कर दिया है, यानी सबसिस्टेंस कृषि से अब उसको फार्मिंग कृषि की तरफ ले जाए। तो दूसरा है बेटा आपका सेल्फ सफिशियंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन कॉज्ड बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन। जो हमारी प्रोडक्टिविटी में वृद्धि हुई है, पहले क्या था, टोटली डिपेंड था हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ज़्यादातर हमारी जो फूड ग्रांस था वो इंग्लैंड, अमेरिका से आता था, यूरोप कंट्री से आता था, मोस्ट इंग्लैंड से आता था। तो क्या था कि जो पैसा था जो हम इम्पोर्ट करते हैं, ऑब्वियसली पैसा दूसरे देश को जाता है। तो फिर दूसरी बात ये थी कि जब हम फूड ग्रांस यानी हम खाने पीने की चीज़ों के ऊपर भी पड़ोसी के ऊपर डिपेंड है, तो पड़ोसी तो हमसे मनचाहा काम कम कराएगा, वो हमारी जो इंटरफेयर करेगा। तो उससे क्या था कि देश के अंदर जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज होती थी वो अफेक्टेड होती थी, क्योंकि हम उनके ऊपर डिपेंड होते थे। तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म हुए, एग्रीरियन रिफॉर्म हुए, तो हम उसके ऊपर से हटकर हम सेल्फ डिपेंड हो गए, यानी हमारे पास इतना फूड ग्रेन्स हो गए जो हमारे लिए सुफिशियंट था। तो वो हमारा इस तरह से इंडिया हैज स्टार्टेड मेंटेनिंग बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रांस। तो इंडिया जो है वो फूड ग्रांस का बफर स्टॉक मेंटेन करने लग गए। ठीक है, तो बेटा उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है, ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जिनसे हम कह सकते हैं कि इन शॉर्ट वी कैन से दैट द एग्रीरियन रिफॉर्म्स हैव इम्पोर्टेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है,
उसके बाद बेटा अगला पॉइंट बनता है इसका, गेंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन सफिशियंट बट नॉट सफिशियंट। वो कह रहा है कि हमने क्या प्राप्त किया, ये तो हमने पढ़ी लिया, बट क्या वो सफिशियंट है या नहीं है, या अभी हमें एक और ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है। तो ऑब्वियसली हमें एक और ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है। अब कुछ कमियां रही हैं हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था, उनको हमें सुधार करना है, इम्प्रूवमेंट करना है। तो क्या क्या कमी थी उसको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटेड क्रॉप थी, इसका जो सबसे नेगेटिव पॉइंट था वो ये था कि लिमिटेड क्रॉप्स यानी कुछ ही फसलों तक ये सीमित रह गई। कुछ फसलें कौन सी हो सकती हैं हमारी, यानी राइस और वीट, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था वो वीट और राइस के ऊपर पड़ा था। बाकी जो फसल थी हमारी जैसे बाजरा, सरसों और मक्का, मूंगफली, अरहड़, ये फसलें इससे दूर रह गई। दूसरा पॉइंट था अनइवन स्प्रेड। अनइवन स्प्रेड मतलब जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो प्रभाव पड़ना था होल ऑफ द कंट्री में वो नहीं पड़ा था, यानी कुछ पर्टिकुलर स्टेट ही इससे फायदा उठा पाए, जो रेस्ट ऑफ द जैसे उड़ीसा है, बिहार है, ये कुछ ऐसे स्टेट थे जो इससे अछूते रहे, वहाँ बी सिचुएशन एज इट इज बनी रही थी जैसे 1950 में थी। ठीक है, तो अनइवन स्प्रेड हुआ था इसका पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इनमें तो बहुत अच्छी इसका प्रभाव पड़ा था, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ इफेक्टेड रहा, लेकिन कुछ जैसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, यहाँ पर इसका प्रभाव कम पड़ा। उसके बाद था लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन का मतलब द बल्क ऑफ द फार्मिंग पॉपुलेशन इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। वो कह रहा है कि जो बैल से खेती की जाती थी इंडिया के अंदर ये ही पॉपुलर थी, आमतौर पर जो छोटे किसान होते थे वो बैलों से ही खेती करते थे, तो इसलिए उनका जो था द गेन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हैव एलिवेटेड दीज फार्मर्स। इन फार्मरों से जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो न्यू टेक्नोलॉजी आई थी वो दूर रह गई, ये उसे अछूते रह गए। ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट था इसका, जो लास्ट पॉइंट था वो ये था इकोनॉमिक डिवाइडेंट हो गया इससे ग्रीन रेवोल्यूशन से। इकोनॉमिक डिवाइडेंट का मतलब है कि एक तरह से फाइनेंशियली इकोनॉमिकली इन्होंने जो इनकम इनइक्वालिटी थी उसके अंदर खाई को बढ़ा दिया गया। जो बड़े बड़े किसान थे उनको इनका फायदा पहुंचा, वो बहुत अमीर हो गए। जो खेती करते थे, जो किसान थे, मजदूर थे, जो छोटे किसान थे, छोटे किसान का मतलब जो अभी भी बैलों से खेती करते थे, जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जिनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था वो अभी भी बैकवर्ड रह गए और इनकी इनकी इनकम स्टिल जो है वो लो रह गई, तो दोनों के बीच में खाई पैदा हो गई। अब आगे क्वेश्चन बनता है कि डज इंडिया नीड अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या भारत को एक और हरित क्रांति की जरूरत है। यस, अभी भी भारत को जो है इन ऑब्वियसली आंसर इज यस, इट इज एन अनडिस्प्यूट फैक्ट दैट दिस गेंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हैव स्टार्टेड श्रिंकिंग, यानी वो एक तरह से जो हुआ था वो खत्म हो गया, डूब गया, तो हमें एक और ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है। तो क्यों जरूरत है उसके लिए, उसके लिए कुछ पॉइंट दे रखे हैं, क्योंकि अभी भी और फूड ग्रैंड स्टॉक आर एट द पॉइंट ऑफ अनसर्टेनिटी, हम अभी भी जो हमारा फूड ग्रांड का जो बफर स्टॉक है, फूड ग्रांड स्टॉक है, वो उसकी अनिश्चितता बनी हुई है, अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, इसलिए हमें एक और ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है। दूसरा, मोस्ट फार्मर इन इंडिया कंटिन्यू टू फेस अनसर्टेनिटी ऑफ वेदर, अभी भी भारत के अंदर मोस्टली जो किसान हैं वो जो है ना मौसम के ऊपर डिपेंड है, वेदर के ऊपर डिपेंड है, अभी भी उनको इरीगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो सकती है, अभी भी वो लोग बारिश के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे पर्टिकुलर डेट एरिया है तो यहाँ पर अभी भी जो है ना इरीगेशन की इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ मोस्टली जो किसान हैं वो अभी भी बरसात या मौसम के ऊपर डिपेंड करते हैं। लोन वेवर्स आर बिकमिंग रिक्वायरिंग कंपलसरी, अभी भी जो किसानों को लोन वगैरह जो फाइनेंस की जरूरत होती है, अभी भी जो लैंड लॉर्ड्स हैं जो उनको ब्याज का पैसा देते हैं वो बने हुए हैं, अभी भी किसानों का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो उनको चुकता नहीं कर पा रहे हैं। और किसान अभी भी द फार्मर कंटिन्यू टू बी एक्सपोज टू अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट, मार्केट की भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, हालांकि बहुत सारे इंप्रूवमेंट हैं, MSP है, किसानों के लिए कुछ सर्टेनिटी है, लेकिन फिर भी अभी कुछ कमी है सिस्टम में जिनको हमें सुधार करना। तो बेटा ये आपका थर्ड चैप्टर था, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम, ये पावर पॉइंट्स या रिविजन विंडोज हैं, इसको आप एक बार देखिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर पूछ लिए, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। ठीक है, स्ट्रेटजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1947 to 1947 से लेकर 1990 के बीच में जो हमारी औद्योगिक पॉलिसी थी वो क्या थी, उसे क्या स्ट्रेटजी थी हमारी, वो हम रीड करें। ठीक है, तो आज के लिए इतने, थैंक यू फॉर योर कंटेंट।